पूरे प्रदेश में ही स्वास्थ्य सुविधाएं हों, चाहे और भी जो भी जनहित की कल्याणकारी योजनाएं हैं, सारी की सारी चरमराई हुई हैं जब से ये सरकार बनी है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो चाहे आप हेल्थ केयर कार्ड की बात करें, जो गरीब व्यक्तियों का इलाज जहां पे 5 लाख रुपए तक हॉस्पिटल्स में मुफ्त हो जाया करता था जयराम जी की सरकार में, वो कार्ड पिछले 1.5 साल से बंद पड़े हैं। और अभी हालांकि जब आदरणीय नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री बने तो पीजीआई में उनको चालू किया गया है हेल्थ केयर कार्ड्स को, लेकिन उससे पहले बंद थे, पूरे प्रदेश में ही बंद है, भुगतान हो नहीं रखे हैं हॉस्पिटल्स के। कई बार ज्ञापन दिए गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा भी कि उनके जो बकाया है उनको दिया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं दिया है। इसके अलावा चाहे वो सहारा पेंशन हो, वो भी बीच में किसी महीने आ रही हैं किसी महीने में नहीं आ रही हैं, जो बेचारे लोग कई बेड रिडन है, बहुत गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए वो 3,000 रुपये की पेंशन लगती थी, लेकिन वो कई बीच में बंद है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। इस तरह की कई जो और हॉस्पिटल्स के भी हालात देखिए, डॉक्टर्स नहीं हैं और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए पेशेंट्स को वो मिल नहीं रही हैं। अगर हमीरपुर की बात करें, जो मुख्यमंत्री जी का खुद का जिला है, वहाँ पे जो बेड्स हैं मरीजों को वो नहीं मिल रहे हैं, बड़ी हालत ख़राब है। इसलिए तो सरकार को देखना चाहिए कि किस तरह से कार्य वो कर रही है, क्या कार्य प्रणाली है पिछले 1.5 वर्षों की रही है, और मुझे लगता है कि जनता सब देख ही रही है।